हिंदी सिने जगत में अपनी सुरीली आवाज से जादू चलाने वाली पलक मुश्किल ने वैसे तो कई पॉपुलर गानों को आवाज दी। चाहूं मैं या ना मेरी आशिकी सुपरहिट फिल्म आशिकी 2 के वो गाने थे जिसमें पलक मुश्किल की आवाज ने जान डाल दी थी। ब्लूटूथ वाले दौर में इन गानों ने जो कहर ढाया वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्या आपको मालूम है सलमान की फिल्म एक था टाइगर उनकी शुरुआती मेजर में बहुत बड़ा काम आई थी। सलमान कटरीना की फिल्म में उन्होंने लापता गाना गाया और मानो उनकी करियर की उड़ान भरने का वो सबसे बेहतरीन मौका था। क्या आपको मालूम है पलक प्लेबैक सिंगिंग के अलावा चैरिटी से भी संबंधित के काम करती हैं। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे सलमान ने उनकी मदद भी की थी। सलमान को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मानती हैं पलक मुश्किल। सलमान ने उनकी समाज सेवा से संबंधित कार्यों में भी मदद की। पलक ने उनके बारे में बताया, उन्होंने कहा बहुत सारे ज़रूरी लोगों से सलमान ने ही उन्हें मिलवाया। कई लोगों को उनका नाम रिकमेंड भी सलमान ने किया। उनके मिशन में योगदान भी सलमान ने किया। यहाँ तक कि 100 सर्जरियों का खर्च सलमान ने उठाया था उनकी चैरिटी में। उनकी ज़िंदगी का कोई भी फैसला सलमान की जानकारी के बिना वो नहीं लेती। उनके प्रोफेशनल फैसलों में भी सलमान हमेशा शामिल होते हैं। उन्हें फ़ोन करके बताना ही होता है कि वो क्या करने वाली हैं। कई मौक़ों पर वो कहती हैं कि सलमान उन्हें हमेशा सराहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया। उन्होंने ये भी बताया कि बस उस सलाह पर अभी काम नहीं कर पा रही हैं वो जिस सलमान ने दिया। उनकी करियर और लाइफ के लिए कई प्लान हैं। वो खुश है कि उनके पास सलमान जैसा सपोर्ट है। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।